आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन सिस्टम्स को लेकर। ये वीडियो काफी ज्यादा पैक्ड वीडियो होने वाला है और बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी किस तरीके से दिखती थी और फ्यूचर में ये कैसी दिखने वाली है। अगर इस समय इंडियन आर्मी की आर्टिलरी सिस्टम्स को ध्यान से देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर में इंडियन फील्ड गन्स हैं। ये 105 मिलीमीटर की गन्स ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाई जाती थी और इनकी लगभग 2400 यूनिट्स भारतीय थलसेना के पास में मौजूद है। दूसरी गन्स थी M46 जो 130 मिलीमीटर की गन्स है और ऐसी 1000 गन्स भारतीय थलसेना ने अक्वायर की थी। ये गन्स सोवियत यूनियन से अक्वायर की गई थी और साल 2008 के आसपास इसराइल की मदद से इनको अपग्रेड किया गया था। हालांकि केवल 180 गन्स उस समय अपग्रेड की गई थी और इस समय 300 गन्स इंडिजिनस तरीके से अपग्रेड की जा रही हैं, जिनको सारंग कहा जाता है। इसके अलावा स्वीडन से अक्वायर की गई 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर हॉबिट्स FH-77, जिनको इंडिया में बोफोर्स गन कहा जाता है, इसकी इस समय भारतीय थलसेना के पास में लगभग 200 यूनिट्स मौजूद हैं। हालांकि 410 गन्स अक्वायर की गई थी। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ देखें, यानी कि इंडियन फील्ड गन्स जो 105 मिलीमीटर की गन्स थी उसकी 2400 यूनिट्स भारतीय थलसेना के पास में मौजूद है, M46 जो 130 मिलीमीटर की गन है उसकी लगभग 1000 यूनिट्स भारतीय थलसेना के पास में मौजूद है, और FH-77 हॉबिट्स जो 155 मिलीमीटर की गन है उसकी लगभग 200 यूनिट भारतीय थलसेना के पास में मौजूद है। इन सभी गन्स को अगर आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग 3600 गन्स है। लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय थलसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक स्टैंडर्ड कैलिबर बनाया जाए जो 155 मिलीमीटर का होगा और सारी की सारी गन इसी कैलिबर में खरीदी जाए, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिमिलर कैलिबर में अलग अलग बैरल लेंथ अवेलेबल होती हैं और ये अलग अलग बैरल लेंथ कैलिबर के हिसाब से नापी जाती हैं। जैसे कि 39 कैलिबर जिसमें M777 और पुरानी बोफोर्स गन आती है, 45 कैलिबर जिसमें धनुष हॉविट्जर आती है, और 52 कैलिबर जिसमें वज्रा, एटैक्स, भारत 52 और धनुष 52 आती है। जैसे जैसे बैरल लेंथ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे गन हैवी होती चली जाती है, लेकिन साथ ही उनकी रेंज भी बढ़ती चली जाती है। देखिए, आर्टिलरी गन्स बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं और इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन भी काफी अलग तरीके का होता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखें तो गन्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं। पहली टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स, जिनको ट्रक्स के पीछे बांधकर घसीटा जाता है, हालांकि इन गन्स के पास में कम स्पीड पर थोड़ा मूवमेंट की क्षमता होती है। और दूसरी कैटेगरी होती है माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम्स, जिनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर माउंट किया जाता है। अगर माउंटेड गन सिस्टम्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो पहली कैटेगरी होगी ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम्स और दूसरी कैटेगरी होगी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स। देखिए, ये क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है और बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम की फायरिंग दिखाई जा रही है, और अगर आप इसके क्रू को देखेंगे तो वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से बाहर खड़े हुए हैं और लोडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स की बात की जाए तो क्रू गन के अंदर होता है और इसके चारों तरफ आर्मर के चलते वो प्रोटेक्टेड भी होता है। अब ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स भी फर्दर क्लासिफाई की जाती हैं, जहां पर चैसी के ऊपर ट्रैक होते हैं वो ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम कहलाती है, और जहां पर व्हील्स का प्रयोग होता है वो व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम कहलाती है। अब अगर आप इंडियन आर्मी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इस समय भारतीय थलसेना M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स को अक्वायर कर रही है और इवेंचुअली 145 गन्स भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। इनमें से बहुत सारी गन्स ऑलरेडी भारतीय थलसेना को मिल चुकी हैं और कुछ गन आने वाले समय में डिलीवर कर दी जाएंगी। अगर धनुष 45 की बात की जाए तो इनमें से 114 गन्स का ऑर्डर दे दिया गया है और एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 414 गन्स भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। वहीं पर अगर K9 थंडर की बात की जाए तो 100 गन्स ऑलरेडी भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है और इवेंचुअली इनका नंबर बढ़कर 300 तक जाएगा। एटैक्स को लेकर भी ये चीज क्लियर है कि 307 गन्स का ऑर्डर दिया जाएगा और नेचुरली इसकी सेकेंड लॉट भी ऑर्डर की जाएगी। वहीं पर अगर TGS की बात की जाए तो इसमें भारत 52, धनुष 52 और एटैक्स तीनों कम्पीट करेंगे और ऐसी 400 गन भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। वहीं पर माउंटेड गन सिस्टम्स को लेकर भी 814 गन्स के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और इस रिक्वायरमेंट के लिए माउंटेड एटैक्स और माउंटेड धनुष दोनों कम्पीट करेंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री में FH-77 लगभग 200 के नंबर में और सारंग लगभग 300 के नंबर में मौजूद है। इन सभी गन्स को अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 2500 गन्स है और उसके बाद भी लगभग 1100 गन्स की रिक्वायरमेंट फिर भी बनी रहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने 300 यूनिट वज्रा कंसिडर किया था और 414 यूनिट धनुष,
यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने जितनी गन्स की बात की है उसमें FH-77 और सारंग को छोड़कर बाकी हर प्रकार की गन के फर्दर ऑर्डर्स की चांसेस हैं और ये सारे के सारे इंडिजिनस ऑप्शंस हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।